नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि गाजर को आप एक साल के लिए किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों। जो घर में आपके जो भी चीजें हैं, आप उन्हीं से बहुत ही सिंपल तरीके से एक साल से भी ज्यादा आप गाजर को स्टोर करके रख सकते हैं और बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। बहुत ही इजी है दोस्तों तरीका। तो मैंने ये गाजर लिए, आपको जितना गाजरों को स्टोर करना है, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, आप जितनी चाहें उतनी गाजरों को स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जो मैंने गाजर लिए हैं उनका हमें ऊपर से छिलका निकालना है। इस तरीके से हम छिलका निकाल लेते हैं। मैंने सबका छिलका निकाल लिया है, देख सकते हैं, और आगे पीछे से मैंने इसको काट भी लिया है। तो अब हमें क्या करना है, दो भागों में इस तरीके से डिवाइड करेंगे और बीच से हम इसको इस तरीके से काटेंगे। और फिर से हमें बिल्कुल पतली पतली इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। जितनी पतली हो सके उतनी आप काट सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल पतला पतला काट लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है सभी गाजरों को, जितने मैंने गाजर ली थी। आपको जितनी गाजर स्टोर करना है आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो दोस्तों ये मैंने लिया है, देख सकते हैं, भगोने में पानी। तो गैस पे मैंने रख दिया और ये पानी थोड़ा सा गुनगुना हो चुका है दोस्तों। तो इसमें हम जो गाजर लिए थे वो गाजर डाल देते हैं। और दोस्तों हमें गाजर को ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखना है गर्म पानी में, हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये जब उकाल आ जाएगा तो हम बंद कर देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, और उसके बाद में इसको जो पानी है इसका वो हमें निकाल लेना है। ज्यादा टाइम रखेंगे तो ज्यादा गाजर हमारी पक जाएगी। तो दोस्तों पानी तो हमारा गर्म है, तो इसको एक उकाल आने तक इसमें रख देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक बॉईल आने तक गैस को इसको पकाया है, बॉईल किया है। तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको हम ठंडा कर लेते हैं और पानी को हमें बाहर निकालना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको पानी को बिल्कुल बाहर निकाल लिया है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। तो अब हमें एक किसी भी कॉटन के कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास में जो भी कॉटन कपड़ा है, वो जो भी टॉवल है, जो भी चीजें हैं, आप उसको इस तरीके से बिछा दें। और अब इसको हम इसके ऊपर ये डाल देते हैं ताकि ये जो इसका पानी है, जो भी पानी होगा, वो अच्छे से इसमें चला जाएगा और जो हमारी गाजर है वो बिल्कुल सूखी हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है। तो इस तरीके से हमें इनको फोल्ड करते रहना है। तो फोल्ड हमें इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से हमें इसको 5 मिनट के लिए रखना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा दोस्तों वो पूरा निकल जाएगा अच्छे से। ये हमारे टॉवल में जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें आ जाएगा। और इस तरीके से हम इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो 5 मिनट दोस्तों हो चुकी हैं। तो इसका जो भी पानी है वो अच्छे से सूख चुका होगा। तो अब इसको हम इस तरीके से फिर से टॉवल को इस तरीके से हम कर लेंगे ताकि हमारी गाजर पूरी निकल सके। तो पूरा टॉवल देख सकते हैं गीला हो चुका है। तो गाजर हमारे एकदम बिल्कुल सूखी हो चुकी है और बिल्कुल ठंडी भी हो चुकी है ये। आप चाहे तो, आपको अगर जल्दी है तो आप इसको आइस डाल के ठंडे पानी में भी थोड़ी देर के लिए ठंडा करके इस तरीके से आप सुखा सकते हैं। तो आज आपको हम बताएं कि घर की ही आप किसी भी चीज़ में इसको किस तरीके से स्टोर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास में जो मार्केट की पोलोथीन होती है वो वाली नहीं है, तो आप घर की ही जो पोलोथीन होती है उन्हीं में बताएंगे कि घर की पोलोथीन में, सभी के पास में नहीं होती है मार्केट की जो पोलोथीन होती है पैक करने की, तो हम इसी में बताएंगे आपको पैक करने का तरीका। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें बिल्कुल भी गैस नहीं लीकेज होनी चाहिए, जो पोलोथीन हो बिल्कुल फटी हुई नहीं होनी चाहिए आपकी। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं हमें जो ये आगे के इस तरीके से हैं, तो
हमें इसको इस तरीके से पैक करना है। तो आप चाहें तो इसको दोस्तों या तो आप इस तरीके से माचिस की तिल्ली से जला करके इसको बिल्कुल इस तरीके से पैक कर सकते हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल पन्नी आराम से सेट हो जाएगी। या आप बहुत ही ईजी है दोस्तों तरीका, इसमें हमें क्या करना है, बिल्कुल गैस नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके से आराम से इसकी पूरी गैस हमें निकालना है और अच्छे से हमें देख सकते हैं बिल्कुल भी इसके अंदर बिल्कुल जो ये थोड़ा मोटापन हो रहा है वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस तरीके से इसकी पूरी अंदर से गैस निकाल के और इस तरीके से हमें इसको गांठ भी लगा देना है। आपको जो इजी तरीका लगे दोस्तों, तो इस तरीके से भी इसमें बिल्कुल भी बाहर नहीं गए, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं पार होगी। तो इसीलिए आप इसमें मन चाहे जितनी गाजर इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही ईजी है दोस्तों तरीका, और घर में सभी के पास में ये स्टोर करने की पॉलोथीन नहीं होती है। तो मैं ये बता रही हूँ कि आप घर की ही चीज़ों से कर सकते हैं इनको स्टोर। तो आप इसको जो ऊपर वाले बर्फ़ वाले फ्रीजर है उसमें आप रख दीजिए। आप एक साल के लिए गाजरों को इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। जब आप चाहें आप उसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। और दोस्तों हमारा ये ट्रिक अच्छी लगे या हमारे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए भी और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़रूर इस ट्रिक से आप इनको स्टोर करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।